बीकानेर नगर निगम इन दिनों मानो सास बहू जैसे झगड़ों का अखाड़ा बना है। दरअसल पूरा मामला आपको बताएं उससे पहले ये वायरल ऑडियो एक बार सुन लीजिए, जिसका पूरा बीकानेर शहर जमकर मजे ले रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ मैं लिख रही हूँ, आप जाएंगी या नहीं जाएंगी, मैं यहाँ बैठूंगी, मेरे को रूम अलॉट है, आप मेरे को ऑर्डर दिखा दीजिए, अगर आपके नाम अलॉट है तो मैं चलूंगी। मेरे को कोई मतलब नहीं है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी फालतू। गुंडागर्दी मेरे यहाँ पे आप ये बोल रहे हो, रूम अलॉट है मेरे को। एक मिनट अरुण जी को यहीं बुला रहा, 5 सेकंड में अरुण जी को बुला रहा हूँ, क्यों नहीं बुलाओ, ये तरीका कौन सा है? बिल्कुल बुलाइए, फोन लगा रहा अरुण जी को, सामने आके बैठ गई। अच्छा मैं बैठी हूँ, मैं एक हायर अथॉरिटी के नाम मतलब नहीं है, आपने क्या किया? मैं इनकमिंग बोल रहा हूँ मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिना पूछे तो करने रहिए, मैडम आप पहले मैडम की तरफ बनो, आप मेयर की गरिमा रखो, गरिमा रखिए, आप पहले बकवास मत करो, ठीक है ना? आप किससे बात मैडम मैडम कर रही हूँ, उसका वाली ये नहीं कि तो मैंने क्या बोलेंगी, मेरे रूम में बैठी है आप, मैडम आप मेरे रूम में बैठी है, चेक करिए फिर बात करिए। मैडम भैया तू चुप है, क्या है तू आराम से, मैं यही करूँ बस आराम से, हाँ ठीक है, आप रोक नहीं रहा, आप जो चमचे बंडो ना चमचे ही रहो ज्यादा बॉस बनने के लिए, मैडम फालतू बकवास मत करो, मैडम आराम से, तुम बात कलेक्टर को फोन लगाओ, अरे बकवास मत करो फालतू की, आप समझती यही लैंग्वेज है, अच्छा सीनियर होगी, मेरे कोई मतलब नहीं है, मेरे रूम में बैठी आप, नाम प्लेट ठीक है ना, नाम प्लेट से क्या होता है, रूम हाँ मैं वही कह रही हूँ, आप घर से नहीं लेंगे, ऑर्डर है, हायर अथॉरिटी हूँ, हायर अथॉरिटी होगी तो पूरा निगम मेरा है, मैं जा कमिश्नर के रूम में भी जाके बैठती हूँ, कमिश्नर साहब को एक बार सामने आना पड़ेगा, हाँ तो कोई बात नहीं, बैठती होंगी आप, बैठती होंगी, हाँ तुम बकवास कर रही है बिना बात की, दादागिरी लगा रखी है, दादागिरी मैं जिस दिन दादागिरी लगाने लगूंगी ना, आप यहाँ पे टिकेगी नहीं, आप ये देख लेना, मैं शराफत से बिहेव कर रही हूँ इतने दिन से, आपकी शराफत है, मैं शराफत से बिहेव कर रही हूँ, मैं आई नहीं यहाँ पे, मैंने दूसरा रूम ले लिया, मैंने सोचा ठीक है कोई नहीं, मेयर की गरिमा रखनी है मुझे, एहसान कर रहे हो, एहसान क्या कर रही हूँ मैं आपसे, यही तो काम है 10 मिनट बात करी, 5 साल रूम में जाएंगे, नहीं क्यों मैं क्यों जाऊँ, क्यों जाएंगे आप, अपने रूम में जाके बैठिए, आप आ करिए बात, मैं वहाँ परमिशन से आऊंगी आपके रूम में, बोल सकती हो आप मुझे कि ऐसा है मैडम, मैं वहाँ परमिशन से आऊंगी, लेकिन ये आप मेरा रूम है ठीक है ना, मेरे को अलॉट हो चुका है, अधिकारी का आदेश है, आप उसको पलट दीजिए, बोला आप जेल में बैठी होती इस टाइम, ये तो आप भाग दौड़ के मैनेज कर लिए, क्या सोच रही है आप, क्या मेरे को पता नहीं है क्या, जेल में और क्या, ये जो आपने हरकत करी ना, ताले तोड़े और ये सब ताले, मेरा निगम मेरा ताला, मैं अच्छा मेरा निगम, वाह आप सोच रही है गुंडागर्दी, मैं 100 गुंडे बुला सकती हूँ, आप क्या सोच रही हो, आप सोच रही हो कि मेरा बैकग्राउंड गुंडों का है, तो डर जाएगी ये, बुला दीजिए। तो आपने ऑडियो सुना जिसमें दरअसल किस्सा कुर्सी का खेल चल रहा था। इस ऑडियो में नगर निगम की महिला सचिव यानी कि हंसा मीणा और महापौर सुशीला राजपुरोहित कुर्सी और कमरे को लेकर इस कदर तू तू मैं करती है कि मानो जो भी बीच में आए उसकी खैर नहीं। सरकार सत के स्वाभिमान के लिए पूरे निगम में पसर के नहीं बैठ सकती, ये वर्डिंग से कि या तो ये ऑफिस खाली कर या वो ऑफिस खाली कर, सर ऐसे आपके अधिकारी, सर ऐसे अधिकारी आपके, सर अब तो आपको करना एक्शन तुरंत ही लेना पड़ेगा इस पे, और मुझे कह रही कि तू सुकर मना कि तेरे गुंडे गुंडे खानदान से इसलिए तू बाहर है, वरना तू जेल में होती, मैं 100 गुंडे अभी बुला सकती हूँ, बुला ले सर, मैं भी वही बैठी हूँ। चलिए अब आपको पूरा मामला भी बता देते हैं। मामला निगम मुख्यालय से दूर एक बिल्डिंग की पहली मंजिल पर बने एक कमरे का है। आरोप है कि निगम इस बिल्डिंग में सचिव हंसा मीणा को आवंटित ऑफिस का ताला तोड़कर उसमें महापौर का ऑफिस बना दिया। निगम के अधिकारियों के मुताबिक इस बिल्डिंग में बीएमसी का पुराना रिकॉर्ड रखा जाता है जिसमें महापौर कभी कभार ही जाती है। हालांकि सचिव को इस कमरे के अलॉटमेंट का किस्सा भी खासा दिलचस्प है। राजस्थान म्यूनिसिपल सर्विस वरिष्ठ अधिकारी हंसा मीणा का तबादला पिछले दिनों ही चूरू जिले के रतनगढ़ किया गया था और कुछ दिनों पहले ही
हाई कोर्ट से स्टे लेकर वे अपने पुराने पद पर वापस आई थी। चर्चा है कि सोमवार को ही उन्हें ये कमरा अलॉट करने के आदेश मिले थे। मेयर और सचिव के बीच तकरार की खबर मिलते ही बीजेपी के कई पार्षद दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पर बने इस बिल्डिंग में पहुंचे और सचिव को घेर लिया। हालांकि विरोधियों के बीच घिरे बीएमसी सचिव अपने खिलाफ भारी नारेबाजी और प्रदर्शन के बावजूद कमरे में ही महापौर के सामने बैठी रही। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये रूम ऑलरेडी पहले मैं यहीं पे बैठ के काम कर रही थी, फिर उसके बाद में इन्होंने वो 17 दिसंबर के आसपास, 17 दिसंबर को इन्होंने वो रूम लॉक तोड़ा जब मैं छुट्टी पे थी शनिवार के दिन, और यहाँ से फाइलें वगैरह वो ले गई। उसके बाद में मैंने कंप्लेंट भी करी पुलिस थाने में, वो परिवाद चल रहा है अभी, और उसके बाद से ही ये रूम लॉक था और चाबी इन्हीं के पास थी। मैंने मेरे अधिकारी को लिखते भी दिया इस बारे में, पूरी घटना के बारे में, और मैंने उन्हें कहा कि आप ये रूम खुलवा के जो भी कमेटी बना के आप ये रूम खुलवा दीजिए। तो उन्होंने कल आदेश निकाले 15 तारीख को कि ये रूम हंसा मीणा को यानी कि मुझे अलॉट किया जाता है, और 3 लोगों की उन्होंने कमेटी बना दी कि अगर चाबी मिल जाती है तो आप चाबी से इसे खोलिए, और अगर नहीं मिलती है तो आप तोड़ के लॉक खोलिए। तो जैसे ही ये आदेश बाहर आया और मेयर महोदया को ये पता चला, तो ये मेरे आने से पहले ही इस रूम में बैठी हुई थी। मैंने रूम में आई और मैंने कहा मैम, मैं रिक्वेस्ट किया मैंने उनसे कि ये रूम मुझे अलॉट हो गया है तो आप देख लीजिए। तो बोले कि नहीं नहीं आप बाहर निकलिए। मेरे को बाहर निकालने के लिए इन्होंने धमकाया मुझे। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं सर से बात कर लेती हूँ, जो भी अब नेक्स्ट आदेश होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं फॉलो कर लूँगी, तब तक मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। तो उसके बाद में फिर इन्होंने सारे पार्षदों को बुला के और ये कि मैंने मिस बिहेव किया और ये सब चीज़ें इन्होंने नारेबाजी करवाई। नहीं आपने वो मिसबिहेव किया है? नहीं मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया। मैंने बल्कि जैसे ही मैं रूम में घुसी मैंने इनको सादर नमस्ते किया, इन्होंने नमस्ते का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में मैं जस्ट इनके सामने चेयर पर बैठी। इसके अलावा अब आगे आप क्या कार्रवाई, मतलब आप क्या करेंगे? मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगी, जैसे मेरे अधिकारी मुझे आदेश देंगे मैं उस आदेशों को फॉलो करूंगी। तो आप रूम में बैठोगी अभी या? अभी जब तक ये आदेश है तब तक मैं रूम में बैठूंगी, और जैसे ही नेक्स्ट जो भी आदेश आएंगे मैं उनको फॉलो करूंगी। विवाद बढ़ने पर सचिव वहां से निकलकर बीएमसी मुख्यालय जाती है और मेयर समेत बीजेपी पार्षद जिला कलेक्टर के पास सचिव को हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं। कलेक्टर की मध्यस्थता के बाद बीएमसी आयुक्त ने सचिव हंसा मीणा को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान तक के लिए बीकानेर से अपर्णेश गोस्वामी की रिपोर्ट।